मुंबई मंत्रालय परिसरातून महाविकास आघाडीच्या वतीने नवाब मलिक यांच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस मंत्री छगन भुजबळ प्रतिक्रिया देत म्हणाले की ईडीने केलेली ही कारवाई अगदी बेकायदेशीर असून या अटकेचा आम्ही निषेध करतो. ताबड़तोब जो है कह देना है कि भाई ये दाऊद है. अब दाऊद का नाम लिया तो सब लोग सतर्क हो जाते हैं. कोई संबंध जो है और दाऊद जो है उसका दाऊद का हमला और उसके बाद में जो अभी कई साल के बाद 30 साल हो गए 92 का एफआईआर होकर उसमें जो है लाखों तेजिस का जो है केसेस कोर्ट में जो दाखिल हो गई एफआईआर और जो है उसमें कई लोग फांसी चढ़ गए, कई लोग जन्म थे पर है और वो खत्म भी हो गई वो जो केस भी. अब उसके बाद जिसका कोई संबंध नहीं है जो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बात करता है या उनके जो समीर वानखेड़े हैं या और कोई है ये जो क्या कर रहे हैं ये सच्चाई लोगों के सामने लाने की कोशिश करता है तो इसका मुंह कैसा बंद करना है. तो बस ये लगा दिया फेब्रुआरी में और एक एफआईआर कर दिया और एफआईआर अलग और अरेस्ट हो रही है अलग. अब देखिए तो कैसा कहाँ का कहाँ जो है कर रहे हैं. और मैं समझता हूँ कि मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ नवाब मलिक का और ये आतंकवादी लोग जाए कोई संबंध नहीं है और ये जानबूझकर उसकी जो है अरेस्ट ये नहीं है ये बताने के लिए दाऊद को बीच में ला रहे हैं. सरदार मलिक जमीन खरीदी और दूसरी बात है कि अगर 35 साल हो गए दाऊद का और ये सब जो हुआ है अब भारत सरकार में जो है मोदी साहब बैठे हैं 7-8 साल से, यहाँ भी 5 साल से जो है हमारे फडणवीस साहब बैठे थे. सब तो समझ में नहीं आया था उनके, अभी सिर्फ वो प्रवक्ता बने और बोलने लगे उनके खिलाफ तभी उनको लगा कि ऐसा कुछ है.